मोबाइल लेके आओ, तुम्हारा नेटवर्क आ गया। तो दोस्तों आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये है नेटवर्क सेक्शन, जहाँ पे स्टूडेंट, ये एक 20 साल का स्टूडेंट है जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो सिर्फ करेक्टर और एंटर निकाल पाता था। आप देखिए नेटवर्क सेक्शन में किस तरीके से ये अपने ही सेट का नेटवर्क की आर ट्रांस रिसीवर आईसी को निकाल के उसका नेटवर्क बना रहा है। तो बेसिकली ये जो क्लास है, ये हमारे थ्योरी क्लास के बाद में इनको प्रैक्टिकल क्लास होती है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हम इनको बताते हैं कि कब किधर क्या वोल्टेज आना चाहिए, कहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेक करना चाहिए, क्या स्टेप टू स्टेप होता है डायग्नोस करने के, तो सारी चीज़ें हैं पहले प्रैक्टिकली इन्हीं के सेट में हम इनको बताते हैं। इनसे ही एक दिन पहले हम सेट मांगते हैं कि जितने भी आपके पास में नेटवर्क के सेट हैं वो आप हमें दीजिए, और हम डायग्नोस करके उनके सामने उनको दिखाते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर हमने उनको आईसी निकालना लगाना तो बिल्कुल भी इस क्लास में नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी ये हम है ना शुरू के 4 दिन में करवा चुके हैं। दोस्तों हमारे लिए मेन टॉपिक आईसी निकालना लगाना नहीं, हमारे लिए सेट डायग्नोस कराना और बनाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्ट फाइंडिंग करना, ट्रेसिंग करना उन्हें आए, क्योंकि आईसी निकालना लगाना तो ये सिर्फ 2 या 3 दिन में ही सीख जाते हैं, और फिर डेली प्रैक्टिस भी होती है। हर सेक्शन में ये आईसी निकालते लगाते हैं, लाइट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, या फिर चार्जिंग हो गया। आज देखेंगे, आप देख रहे हैं ये नेटवर्क सेक्शन, अगर आपने पूरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप पुराने लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। हर डे का एक वीडियो डाला हुआ है। आप देखिए इंडिया में ऑलमोस्ट कहने की बात है, लोग कहते रहते हैं कि लाइव ट्रेवल शूटिंग कोई नहीं करता, ये हमारा इंस्टीट्यूट है जो डेली क्लास दिखाता है। दूसरे तो सिर्फ कहते हैं और दिखाते कुछ भी नहीं, हम डेली हर एक दिन का लाइव ट्रेवल शूटिंग आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट खुद बनाता है, खुद करता है, जो आपको किसी और इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्टूडेंट ने सेट चालू किया है, अब उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेटवर्क उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं कि नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नहीं आ रहा होगा तो उसको बैठ के बनवाएंगे। और आप देखिए कि नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट का। हमारे साथ 28 सितंबर की बैच है। क्या सब्जेक्ट था आज हमारे, कौन सा सेक्शन था? नेटवर्क का। कैसा लगा नेटवर्क का सेक्शन? बात करें कॉलकॉम की, जी सर। बात करें कॉलकॉम के दूसरे सीपीयू की, जी सर। बात करें एमटीके की, जी सर। बात करें हम सैमसंग की, जी सर। सारे सेट बना लेंगे ना भाई? जी सर, बना लेंगे। आज लाइव हैंडसेट आईसी निकाल के नेटवर्क किस किस ने बनाया भाई? जैसा आप देख सकते हो, आपने कौन सा हैंडसेट बनाया लाइव? सर MI Note 4 WDR IC निकाल के, WDR IC आपने निकाल के वापस लगा? जी सर, उसका डायग्राम भी बनाया, वोल्टेज और GR बनाया सर। और किसने बनाया भाई? मैं बनाया सर। हां सर, Jio का WDR IC निकाल के वापस रिकॉल करके लगाया और नेटवर्क भी आ गया। तो आपको जो जो वोल्टेज बताए थे वो पूरे मिले आपको? जी सर, मिले सर। है ना? जी सर। ओ ऑन मोबाइल में भी और सिम लगाने के बाद भी? बाद में। ठीक है सर, मैं नोट 6 प्रो का निकाला। अच्छा, वेरी गुड। आपको पूरा वोल्टेज मिला? जी सर। उसको ड्राइंग किया आपने? जी सर। सर 4G सिम का लगाया। और बताइए सर, जियो का WTR लगाया सर। बताइए जरा, इधर आइए। जियो फोन का WTR IC निकाले, उसको फिर ट्रेसिंग किए पूरा उसका GR और वोल्टेज, उसके बाद फिर रिवॉल्व करके लगा दिए नेटवर्क भी आगे बढ़ा। ठीक है, और बताइए MI4 का? MI4 WTR निकाल के लगाया सर। कैसा लग रहा भाई? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? सर, आया सर। है ना? और किसने लगाया भाई निकाल के? किसने निकाल के लगाया? और इधर और किसने लगाया इधर से निकाल के? अभी लाइव हैंडसेट में किसने लगाया? जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लगभग ये हैंडसेट। अच्छा, कोई ऐसा नेटवर्क का हैंडसेट बाकी है जो नहीं बना हो हमसे? नहीं सर, हो गया सर। ऐसा नहीं बाकी है ना? नहीं सर, सारे बने ना? हाँ सर। किसी का कोई पेंडिंग तो नहीं है नेटवर्क का? अगर आइए इधर आइए सर, मैंने 5G का WTR निकाल कर दोबारा से लगाया और ओके हो गया नेटवर्क। हाँ, आपका नेटवर्क आ गया था? हाँ जी सर। आपको सारे वोल्टेज मिले? हाँ जी सर। ठीक है, तो ओवरऑल कैसी रही हमारी क्लास भाई? अरे 12 बजे से अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, 8 बजे तक, 8 बजे तक बन रहे हैं। तो हमने जो सर ने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल किया कि नहीं? हमने लाइव हैंडसेट से आईसी निकाली और उसको लगाई, और हमारे पास फोल्डी हैंडसेट थे, हमने उसको भी बनाया। जी सर। हाँ सर,
किसी का बाकी तो नहीं रहा ना? चलिए ठीक है, वोल्टेज आ जाता है तो उसे डब्ल्यू टी आर चेंज करेगी, और अगर इसका वोल्टेज नहीं आता है तो मेन पावर को उठा देंगे और मेन पावर से इस डब्ल्यू टी आर तक की कंट्रीटी चेक करेंगे, और अगर कंट्रीटी आ रही है तो मेन पावर चेंज कर देंगे चालू एंड चेक का, और उसके बाद भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो फिर डब्ल्यू टी आर ही चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? क्योंकि उस वजह से भी हो सकता है वो वोल्टेज नहीं लेता, ड्रॉप कर रहा वोल्टेज। चलिए वोल्टेज देखिए सब लोग यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये हमारी थ्योरी क्लासेस है जिसमें मैं सेट को डायग्नोस करके दिखाता हूँ वोल्टेज के साथ, और इसमें कोई सभी सेट जो स्टूडेंट लाता है उसी सेट पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नोट 9 प्रो था, MI का एक दो वीवो के हैंडसेट थे और कुछ रेडमी के फ़ोन थे, और उसके अलावा एक हमें सैमसंग के भी तीन फ़ोन थे जो हमने ऑलरेडी इनके सामने बनाए, और ये नोट्स यहाँ पर लिखते हैं कि कब किधर कितना वोल्टेज आना चाहिए, उसकी सप्लाई डायग्राम सारी चीज़ें इनको बनाते हैं। यहाँ हम इनको बोनियों पर डिपेंड नहीं रखते। चलिए तो बताइए आज किस किस की क्लास थी? आज नेटवर्क की क्लास थी, आज हमारी नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी। तो नेटवर्क सेक्शन में अगर हमारा क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, अगर हमारा स्पेक्ट्रम CPU है, अगर हमारा सैमसंग CPU है, तो सबका नेटवर्क आप पहचान जाएंगे कहाँ पे लगा हुआ है। तो क्वालकॉम की अगर बात करें तो क्वालकॉम में क्या क्या लगा हो सकता है नेटवर्क सेक्शन में? RFIC, WTR हो जाएगी, अगर SDM CPU होगा तो लगेगा उसमें SDR। ये सारा कुछ आपको बताया गया है लाइव, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये नोट 3 का क्या करने वाले हैं? तो इसका नोट 3 का सर अभी पूरा ट्रेसिंग करूँगा, उसका वोल्टेज चेक करूँगा, फिर कितना कहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए सारा कुछ पता है। हाँ सर पता है, सारा कुछ अभी समझ में आई सारी सैमसंग की नेटवर्क की क्लास। ओके, आप क्या कर रहे हैं? डाटा सेट बना रहे हैं। तो ये किसका किस सेक्शन का है? WTR नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन आज देवसर की क्लास समझ में आई? जी सर। अच्छा, तो अभी आप इसका चार्ट शीट बनाने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हो। अब तो पहचान में आ जाएगी कौन सा नेटवर्क सेक्शन है, फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे अभी। ओके, क्या कर रहे हो अभी आप? सर नेटवर्क सेक्शन। किसकी क्लास थी आज हमारी? नेटवर्क सेक्शन की। तो नेटवर्क सेक्शन समझ में आया अभी? यस सर, यस सर। कोई भी सर्किट हो, कोई सर्किट का मतलब क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, सैमसंग, जो भी फोन होगा उसका डायग्नोस कर पाएंगे? यस सर। WTR में, RF में कहाँ कहाँ वोल्टेज आती है, कहाँ पे क्या आती है, सारा कुछ क्लियर कर पाएंगे? चलिए ठीक है, प्रेस करिए। आप क्या कर रहे हैं अभी? ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की ट्रेसिंग कर रहे हैं? PFO, RF? यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं WTR। नेटवर्क सेक्शन समझ में आया अभी आपको? ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा? नहीं सर। प्रैक्टिकल जो आप देख रहे हो मिल रहा है? मिल रहा है। ओके, चलिए आज किसकी क्लास थी? सर देवसर की। किस सेक्शन की? नेटवर्क सेक्शन क्लास थी। कैसा लगा ओवरऑल? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अभी आपने जो पढ़ा वो प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? जी सर मैंने। क्या किया प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल में मैंने सर इसका लाइव WTR IC निकाला, क्वालकॉम का है, MI नोट 4 है, WTR IC निकाला, और निकाल के फिर मैंने मीटर रिवॉल्व करके पूरा डाला, और फिर पूरा ऐसा तो नहीं कि सर्विस आता था, थोड़े टाइम नेटवर्क आता था, मैंने किया तो तुरंत नेटवर्क आ गया। तुरंत नेटवर्क आ रहा है? तो ये डर तो नहीं लगा फोन डेड हो जाएगा? क्या RF निकालने से फोन डेड हो जाता है क्या? नहीं सर, डेड नहीं होता। डेड नहीं होता है? अगर वो हमारी सही से नहीं लगती तो नेटवर्क नहीं आता? नेटवर्क नहीं, सारा चीज़ प्रॉपर डीपली नॉलेज मिला? जी सर, वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज भी बराबर आया, उसके बाद मैंने जो पढ़ाया सर ने वो एक्चुअली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सर बिल्कुल मिल रहा है। ओके चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। ओके चलिए, अभी आप क्या कर रहे हो? सर ट्रेसिंग कर रहा हूँ। सर ट्रेसिंग कर रहे हैं? जी सर। कौन सा फ़ोन है ये? सर MI का 5A है सर। अच्छा, यहाँ पे सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है सर। और बाकी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका? बहुत बहुत अच्छा तरीका है सर, समझाने का बहुत अच्छा तरीका है, समझाते हैं सारे कोई। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़? जी सर अभी सारी चीज़ समझ में। अभी आप हार्डवेयर आपका लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, तो समझ में आया कि नहीं आया? जी सर बहुत। दिल से बोल रहे हैं आप ये? जी सर दिल से बोल रहा हूँ। जो भी सीखा कहाँ पे सीखा आपने? अभी सर सारा चीज़ एशिया टेलीकॉम में ही आके सीखा सर। तो ऐसा तो नहीं आपको बगल बोला जा रहा है कि आप ये चीज़ बोलिए? नहीं सर, क्योंकि ये तो हम डेली पूछ रहे हैं, अभी लाइव पूछ रहे हैं, कोई एडिटिंग वीडियो भी नहीं है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, क्या यहाँ पे तो जो कर रहे हैं जो एक्सपीरियंस है अपना वही सारा चीज़ चल रहा है। तो ये नेटवर्क सेक्शन आज ओवरऑल कैसा लगा आपको? आज की क्लास बहुत अच्छा था सर। सब लाइव प्रैक्टिकल मिला आपको? जी सर लाइव प्रैक्टिकल। और बाकी कर ही रहे सर प्रैक्टिकल अभी सारा चीज़। अच्छा, और बाकी का अगर सेक्शन की बात करें कैसा रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा सर। जब तक अभी तक आपने पढ़ा वो सारा चीज़ आपको समझ में आया? वो सारा चीज़ प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ कर ही रहा है सर। ओके चलिए चलिए ठीक है, करिए। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? RF चेंज कर रहे हैं। RF चेंज कर रहे हैं? डायरेक्ट RF चेंज करने का रीज़न पता है आपको? जी सर पता है। वो बताना तो नहीं है, बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RF हमें क्यों चेंज करना है वो सारा चीज़ आपको पता है? जी सर।
कि हमें किस रीजन से करना है, क्या वोल्टेज आना चाहिए, क्या वोल्टेज नहीं आना चाहिए, 1.8 कितना आना चाहिए, 2.8 कितना चाहिए, 1 वोल्ट कितना आना चाहिए, वो वोल्टेज कहाँ पे आना चाहिए, वो सब पता है आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया है। जी सर। अभी आपको ये छोटी सी ऐसी रिवॉल्व करने में, निकालने लगाने में डर तो नहीं लग रहा? कोई डर नहीं। अच्छा सर, WTR WCN अगर यहाँ पे SDR ये सारा कुछ होगा तो पता पाएंगे आप? पता लगेगा। एक देर में 3 वोल्टेज आ रहा है। अच्छा, ओके। RF में WTR में 2 वोल्टेज आ रहा है। ओके, तो ये सारा चीज सर ने बताया, वो चीज आपने वोल्टेज चेक किया? ओके, चलिए ठीक है। कैसा बोला, क्या बोलना चाहेंगे अभी तक की क्लास के लिए? नेटवर्क सेक्शन सबसे बढ़िया है। बढ़िया है? जी सर। चलिए ठीक है। जॉब सोचे तो मिल रहा है? जी सर। ओके, चलिए, क्या कर रहे हैं अभी आप? कुछ नहीं सर, खराब मोबाइल। ऐसा तो नहीं है कि ये जैसे ये हमारा जियो का है और हमारा एंड्रॉयड में कुछ अलग WTR होगा? नहीं सर, दोनों में सेम ही होता है। सेम ही होता है ना, उसके जो वोल्टेज होते हैं, उनके जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट है। ओके, तो अभी आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है नेटवर्क? अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? अभी तक की क्लास समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लास में क्लियर कर रहा है। क्लास में क्लियर हो रहा है, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? RF निकाली है। RF निकाला है अभी? इससे पहले RF PFO ये सारा चीज़ पता था? नहीं। वोल्टेज पता था, बैंड IC पता था, ये सारा कुछ पता था आपको? कोई पता नहीं था। नहीं पता था, अभी आपको बोल दिया जाए RF निकाल लो, PFO निकाल लो, 2G PFO, 4G PFO, ये सब आप पता कर पाओगे? सब पता कर पाओगे। तो ये जो आप बना रहे हो चार्ट, बना रहे हो 2965 का, ये एक्चुअल में ये ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है। कैसा लग रहा है ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी MI4 का नेटवर्क WTR IC निकाला है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। सर, नेटवर्क नहीं आ रहा था, दूसरे फोन से निकाल कर WTR IC डाल रहा हूं। डाल रहे हैं? हाँ सर। तो यह पहचान में आ रही है, नेटवर्क से समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। क्या वोल्टेज आना चाहिए, कहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए? हाँ, सारा कुछ समझ में आ रहा है। 1.8 आना चाहिए, कहाँ पर 4 आना चाहिए, पूरा वोल्टेज का बारे में आज नॉलेज मिला है हमको। नॉलेज मिला है। अब तो नेटवर्क सेशन आएगा, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे? हाँ बना पाएंगे। अभी एक लाइव ही बना रहे हो आप? हाँ, लाइव बना रहा हूँ, 2 से मोबाइल खाली रखे वाला था मैं। अच्छा अच्छा, अभी आप बना रहे हैं, चलिए ठीक है। किसकी क्लास थी आज? जी नेटवर्क सेक्शन की सर। समझ में आ रही है आपको? जी पूरा समझ में आ रहा है। जो भी सेक्शन है हमारा, मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, MI, जो भी होगा उसमें आप नेटवर्क सेक्शन पहचान पाओगे आप? देख करके सर। चलिए ठीक है, काम करिए। चलिए इधर देखिए, क्या कर रहे हैं आप? नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी। तो ओवरऑल अभी क्या कर रहे हो आप? WTR? डर लग रहा है? नहीं नहीं। फोन डेड हो जाता है? नहीं नहीं। नहीं होता है? RF IC होती है? कौन सी IC होती है? WTR। कौन सी? RF है, PFO है? RF। कौन सी IC है? RF। कोई दिक्कत नहीं, हम लाए भी है क्योंकि आज हम आपने पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ रही क्लास? समझ में आ रही। कितना वोल्टेज कहाँ पे आना चाहिए, सब कुछ क्लियर है? सब कुछ। ओके। अच्छा अच्छा, तो क्या कर रहे हैं अभी आप? RFIC लगा रहे हैं। RFIC निकाल के लगा रहे थे यहाँ पे। कीपैड का और 4 एंड्रॉयड का कुछ अलग होता है क्या? नहीं सर, उसमें भी उतने वोल्टेज आने चाहिए, वहाँ पे भी उतने ही वोल्टेज आने चाहिए, क्योंकि इसमें जो सर्किट है क्वालकॉम CPU है। कौन सा CPU है? तो इसमें हमारा लगा हुआ है WTR। अगर यहाँ पे और भी जो IC लगी होगी, MediaTek, Spectrum, ये सारा चीज़ बताया गया है। गुड इवनिंग अन्नू, कैसे हो और कैसा रहा ओवरऑल, कैसा लग रहा है क्लास आपको? समझ में आ रही सारी चीज़ें? यहाँ पे पढ़ाने का यहाँ के टीचरों का नॉलेज है कि नहीं है? समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्चुअली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए ठीक है। चलिए जी, इधर देखिए, क्या कर रहे हो आप? चलिए, अब लगभग हार्डवेयर तो आपका कंप्लीट हो रहा है, तो कैसा लग रहा है ओवरऑल क्लास? हार्डवेयर सेक्शन इजी लग रहा है? अब मेहनत करना है कि नहीं करना है? नहीं नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं सर। अब तो मेहनत करना है बिल्कुल। तो अभी आज क्या कर रहे हो आप? सर ये WTR निकाला है। अच्छा, पूरा ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ट्रेसिंग कर रहे हैं? तो ये ऑन बोर्ड है कि डेड बोर्ड था? ऑन बोर्ड है। डर तो नहीं लगा? नहीं लगा। चलिए ठीक है। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैंने WTR निकाला। अब नेटवर्क सेक्शन पहले समझ में आता था देखने से? पहले सर तो जंपर लगाते थे, उसके बाद कुछ नहीं जानते थे। जंपर केवल एंटीना में लगाते थे? ठीक है, एंटीना टू एंटीना, RF केवल भी नहीं पता रहता था? कुछ पता नहीं था। तो अभी आपका क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? अभी सर सर ने आज पूरा जो नेटवर्क का सेक्शन सब लाइव बताया कि केवल बता दिया, थ्योरी बता दी, प्रैक्टिकल तौर से बताया? लाइव बताया। आप जो सोच के आए थे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल। चलिए ठीक है, करिए। क्या कर रहे हो? मैं अभी सैमसंग J2 का नेटवर्क सेक्शन टेस्ट कर रहे हैं।
मेट्रो सेक्शन ट्रेस कर रहे हैं, नेटवर्क तो इधर है तो इसमें आ रहा है, और इसका पीएफओ सब चेक कर पा रहे हो? समझ में आ रही है क्लास ओवरऑल आपको? समझ में आ रहा है। जो आप सोच के आए थे वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सोच के आए वो सर से भी ज़्यादा मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि उधर जिस टाइम 2-3 साल से काम कर रहा था उस टाइम कुछ पता नहीं था। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आता था जंपर, मतलब वो भी नहीं होता था। अभी जंपर कैसे मारने, जंपर क्यों मारना है, किधर मारना है, वो सब पता है अभी आपको? पता चल गया अभी थोड़ा। तो कौन सा आईसी लगा नेटवर्क सेक्शन में, आरएफ पीएफओ उसका सप्लाई क्या है, 2-3 उसका सब मालूम हो गया। ओके ओके, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है अभी। चलिए ठीक है, आप उनकी मुस्कान से ही समझ सकते हैं। नेपाल से अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है आपको तो क्या बोलना चाहिए? नेपाल का क्या बोलना चाहता है, मैं अभी प्रो लेवल में मोबाइल टेक्नीशियन बनना है था, एशिया टेल के माना गए। आप जरूर, आपकी बात करें तो आप सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मैं सीख पा रहा हूँ, मैं 2 साल से एशिया टेल में खोल कर रहा था, दूसरा भी खोल कर रहा था। एशिया टेल में जितना सोचा उधर से बहुत अच्छा मिला है, प्रो लेवल का सीखने गए था, एशिया टेल में जरूर आना। चलिए ठीक, बहुत अच्छा सब कुछ मिल जाएगा था। ओके, अभी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? आईसी रिबॉलिंग कर रहे हैं। इससे पहले पता था कि आरएफ पीएफओ क्या होता है? इधर देखिए, 2 मिनट। तो नेटवर्क सेक्शन कैसा लग रहा है अभी? ज़्यादा टफ लग रहा है? नहीं सर, इजी लग रहा है, इजी लग रहा है। मेहनत करना है जी सर, इसमें कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है वो सारा कुछ बता पाएंगे? जी सर। चलिए ठीक है, करिए। ये क्या है, ABCD आपने लिखा हुआ है सर? ये डाटा है सर। डाटा किसका डाटा है? WTR मतलब। ये बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। किस पैड पे हमें कितना वोल्टेज या रीडिंग आना चाहिए वो सारा कुछ पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर CPU से अगर ये नहीं आ रहा है तो हमारा वो ट्रैक ओपन हो गया, तो कितना भी आप WTR चेंज करोगे हमारा काम नहीं होगा, नहीं होगा। तो कैसा लग रहा है ये क्लास, आपको कैसी लग रही है ओवरऑल? इम्पोर्टेंट क्लास थी सर आज की, बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ के टीचर का कैसा नॉलेज है, मतलब वो जो भी रिविजन कराते हैं या फिर जो भी पढ़ाते हैं तो उनको लगता है कि आता है या नहीं आता? नहीं सर, पूरा पूरा। दियो सर का पढ़ाने का ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है? उनका तो बहुत अलग है, उनका तो बहुत अलग है। चलिए और क्या बोलना चाहेंगे? कोई भी, क्योंकि आज आपका हार्डवेयर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है लगभग लगभग, तो कैसा रहा ओवरऑल हार्डवेयर? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। इतना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिला। अभी तो आपकी डेड सेक्शन बची हुई है, डेड में भी आपको पूरा डायग्नोस करना बताया जाएगा। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हो? सर मैंने आईफोन से पहले WTR IC निकाल कर ऑन किया, नेटवर्क चेक किया सर, नेटवर्क आ रहा है। लाइव फोन में जी सर निकाला उसको, डर नहीं लगा कि बंद हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा? डर नहीं लगा, मेरे पास डेड फोन दूसरा कुछ फॉल्ट फोन नहीं था, मैं तो मेरा फोन निकाल कर चेक कर दिया। तो अभी नेटवर्क आ गया? हाँ जी सर, नेटवर्क आ गया। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे दिन बढ़ता जा रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। अभी आपने सिम लगाया हुआ है इसमें? सर सिम लगाया, सब कुछ ओके है इसमें। ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो? ऐसा नहीं सर, मेरा फोन है, मैं कुछ बोल रहा हूँ। ओके ओके, अब नेटवर्क सेक्शन देख के पहचान जाओगे? हाँ सर। ठीक है, चालू करिए, तो मैं बाजू में हूँ, दिखा दीजिएगा। क्या कर रहे हैं सर? डेटा सेट बना रहे हैं। समझ में आ रही? हाँ, ट्रेसिंग कर पा रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो ओवरऑल? डाटा शीट बना रहा हूँ सर। डाटा शीट जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है सर। नेटवर्क से समझ में आ रहा है? जी सर। okay, बहुत बढ़िया सर पढ़ा है आज। चलिए ठीक है, आपको समझ में आई? बिल्कुल सर, पूरा बात समझ में आ रहा है। आप क्या कर रहे हो ओवरऑल? WTR से चेंज किया जाता है सर। WTR चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज करना है, कब चेंज करना है वो पता है आपको? सर, वो बता है। ऐसे तो नहीं कि नेटवर्क नहीं आया तो WTR चेंज कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? नहीं सर, कोई क्यों चेंज करना है वो आपको पता है? जी सर। ओके चलिए ठीक है, करिए। आप क्या कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? हाँ, हो गया आपका फ़ोन? जी सर। नेटवर्क आ गया? जी सर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क 4G आ गया है। चलिए, कैसा लग रहा है? लगा नहीं है, फुल नेटवर्क आता है। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने जियो पे लगाया था, अभी इस पे लगाना है। ओके चलिए ठीक। तो ऐसे हमारी डेली की क्लास है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आज हमारी नेटवर्क सेक्शन की क्लास हुई थी और नेटवर्क की कर रहे हैं ट्रेसिंग के, एक्चुअल में कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, WTR क्या होता है, हमारी RF क्या होता है, PFO क्या होता है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसे ही आप डेली आप देखते रहिए, हम लाइव आते हैं और लाइव अपने स्टूडेंट का उनका ओवरऑल देखते हैं कि एक्चुअल में उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, ऐसे ही बने रहें हम ऐसे। नेक्स्ट आपको अभी इनका हार्डवेयर चल रहा है, हार्डवेयर कंप्लीट हो रहा है, फिर सॉफ्टवेयर चलेगा, फिर रिमिक्सी चलेगा, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू। आपने क्या किया आज के दिन? आज डेवलप कर CPU कैसे रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर के मैंने
ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज सबसे क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?